हेलो फ्रेंड्स, माय डिश माय तड़का तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं डांसरियों की चटनी। ये देखिए दोस्तों, ये डांसरिये पहाड़ी क्षेत्रों में लगते हैं और गर्मियों के सीजन में इसकी बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। ये देखिए, हमने आज एक कटोरी डांसरिये लिए हैं और इसको बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो देखिए, इस प्रकार से दो छोटे प्याज जिनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, दो हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 8-10 कलियाँ लहसुन की जिनको मोटे टुकड़े में ग्राइंड कर लिया है, और ये देखिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। तड़के के लिए मेथी काम में लेंगे और 1/2 कटोरी चीनी लेंगे, और ये देखिए सरसों का तेल काम में लेंगे दोस्तों। और बहुत ही स्वादिष्ट खट्टी मीठी चटनी बनने वाली है डांसियों की। अच्छा सबसे पहले उंगली में इनको हल्का दरदरा कूट लेंगे दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से दरदरा इसको कूट लेंगे ताकि चटनी है वो बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनेगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दरदरा कूट लिया है डांसरिये को और अब प्लेट में निकाल लेंगे। इस प्रकार से आप भी अपने किचन में आसानी से इसे बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी चटनी बनने वाली है दोस्तों। ये देखिए गैस ऑन कर दिया है, अब इस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे दोस्तों। तेल अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं आप। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले तड़के के लिए मेथी डालेंगे और इसको हल्का भूरा होने के बाद में मिर्ची डालेंगे, लहसुन का पेस्ट, प्याज, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और प्याज को भूरा होने तक पकाएंगे दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से गैस का फ्लेम है जो मीडियम रखेंगे। तीन चार मिनट के लिए इसको इसी प्रकार से भूनेंगे। मेथी के तड़के से ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि लगे नहीं। ये देखिए दोस्तों, प्याज ब्राउन होने लगे हैं। अब इसमें सबसे पहले डांसरी डालेंगे, जो ग्राइंड कूटे हुए डांसरी हैं इनको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी दोस्तों। आप भी इस सीजन में आसानी से ये चटनी बना सकते हैं। ये डांसरी आपको बरसात के समय में बाजार से आसानी से मिल जाते हैं। डांसरी को इस प्रकार से मिलाने के बाद में हल्दी डालेंगे, मिर्च, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए अच्छी खट्टी मीठी चटनी बनेगी दोस्तों। इस चटनी को बच्चे बूढ़े चाव से खाते हैं और लगती भी बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। ये देखिए थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसको तो भी अच्छे से मिला देंगे ताकि खुली खुली चटनी है वो अच्छे से बन जाए, अच्छे से पक जाए। ये देखिए अच्छी खुशबू आने लगी है, बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी दोस्तों। अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे, चीनी मिला देंगे, इससे खट्टी मीठी चटनी बनेगी। देखिए इस प्रकार से चीनी को मिला देंगे, ये देखिए दोस्तों चटनी है जो बनने जा रही है, तैयार होने जा रही है, अच्छी खुशबू आने लगी है, बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी। इस प्रकार से आप भी अपने किचन में आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए डांसरी चटनी है जो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है।
क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में लगने वाली वनस्पति है। ये देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे इसको चम्मच को चलाएंगे, खुले में पकाएंगे दोस्तों। ये देखिए चटनी है जो बनकर तैयार है, तेल छोड़ने लगी है। अब गैस को बंद कर देंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे, फिर सर्विंग प्लेट में निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों डांसरिये की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार दोस्तों। अब इसे आप पूड़ी परांठे रोटी के साथ में खा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनी है दोस्तों। इस प्रकार से आप भी अपने किचन में आसानी से बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, डांसरिये की चटनी बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि अगली जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अच्छा, धन्यवाद।